अस्सलाम वालेकुम, आज हम PHP के इस ट्यूटोरियल में PHP का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि PHP होती क्या है, PHP कैसे एग्जीक्यूट होती है, इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है, PHP क्या है। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ PHP। सबसे पहले देखें, PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये एग्जीक्यूट होती है सर्वर पे, सही है। अब आपको इसके लिए कोई सर्वर डाउनलोड करना होगा, जैसे अपाची हो गया, IIS हो गया, इस टाइप के सर्वर आपको करने होंगे, क्योंकि ये सर्वर साइड लैंग्वेज है और ये सर्वर पे एग्जीक्यूट होती है। PHP सीखने से पहले आपको थोड़ी बहुत नो हाउ होनी चाहिए HTML की, CSS की और JavaScript की। HTML, CSS और JavaScript बेसिक वेब डिज़ाइनिंग के लिए लैंग्वेज होती हैं, जो ब्राउज़र अंडरस्टैंडेबल होती है और ये ब्राउज़र साइड पे एग्जीक्यूट होती है। इसके लिए आपको कोई सर्वर या कोई और चीज़ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती। अब है क्या PHP स्टैंड्स फॉर, क्या है PHP स्टैंड्स फॉर? PHP पहले PHP होगा, P फॉर PHP, H फॉर Hypertext और लास्ट वाले P के लिए प्री प्रोसेसर। और PHP फिर ओपन सोर्स लैंग्वेज है, यानी कि फ्रीली अवेलेबल है वेबसाइट्स पे, और आप इसको कोई लाइसेंस की आपको इसके लिए ज़रूरत नहीं होती अगर आप इसको यूज़ करना चाहें। PHP की जो फाइल है, जो PHP की फाइल है, वो .php के एक्सटेंशन में होगी। तीन तरह के यूज़ होते हैं PHP को इंक्लूड करने के। अगर आप एक्सटर्नल फाइल से कर रहे हैं यूज़, जैसे JavaScript करते हैं, तो ये .php के एक्सटेंशन में सेफ होती है। आगे ये आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में जब हम PHP के करेंगे तो इसकी आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब आता है व्हाट कैन PHP डू। अब PHP क्या कर सकती है? अब PHP ये क्या करती है कि आपको डायनेमिक पेज कंटेंट करती है, डायनेमिक पेज को क्रिएट करती है, डेटाबेस से डेटा को रीड करवा लेती है, डेटाबेस के अंदर डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवा लेती है, डेटा को डिलीट करवा लेती है, ये सारा फ्रंट एंड से आपका PHP कर लेती है। आपको डायरेक्ट डेटाबेस की क्यूरी रन नहीं करनी होती, PHP की मदद से आप ये सब कर सकते हैं। डेटा को कीज को हैंडल कर लेती है, ये सब PHP कर लेती है। फिर हमारा आता है कि PHP ही क्यों, वाई PHP, कि PHP ही क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, ये कोई और सी लैंग्वेज क्यों नहीं कर रहे। सबसे पहले इसका ये है कि PHP वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे रन होती है, जैसे विंडोज़, लिनक्स हो गई, विंडोज़ हो गई, मैक हो गई, OS, सब के ऊपर, यानी कि ओपन सोर्स है तो सब के ऊपर कंपैटिबल है ये यूज़ करने के लिए, सही है। और यानी कि सारे सर्वर पे भी ये, सर्वर साइड अगर देखें, अपाची का देखें, IIS का सर्वर देखें, इस तरह बहुत सारे सर्वर देखें, तो उन सब पे ये एग्जीक्यूट हो सकती है। आपको सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। PHP अपने डेटाबेस को भी सपोर्ट करती है। PHP फ्री है इसलिए हम ये यूज़ करते हैं, PHP लर्न आसानी से हो जाती है, यानी कि ईजी है लर्निंग के लिए, ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स इसके अंदर सेंटेक्स वगैरह नहीं है, इसके लिए हो जाती है। अब आखिर में आते हैं व्हाट न्यू इन PHP। PHP का जो लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है वो PHP 7 है, जो हमारे पास सर्वर इसके वर्जन आते हैं, जैसे PHP 5.6 है, इस तरह इसके आते हैं। अब PHP 7 क्या है? PHP 7 फास्ट है, जाहिर सी बात है, PHP 7 है तो 5.6 जो इसका इससे पहले वाली रिलीज थी उससे फास्ट है ये। एरर हैंडलिंग इन्होंने अच्छी करी हुई PHP 7 में, इस तरह बहुत सारी इन्होंने चीज़ें, नए फीचर्स थोड़े से करे हैं इन्होंने, सेंटेक्स में थोड़ा सा चेंज किया, यानी कि पिछले वर्जन से जो 5.6 था उससे काफ़ी हद तक इन्होंने बेहतर कर लिया है इस PHP को। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।